हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलिंग क्लासेस। जो भी बच्चे कक्षा 10वीं बोर्ड का परीक्षा देने वाले हैं या फिर 12वीं बोर्ड का परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो भी बच्चे 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम देंगे, वो सभी जानते होंगे कि आप लोगों का 25 नंबर का प्रैक्टिकल का पेपर होता है, जिसमें कि आप लोगों को पास होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए एक आर्टिकल के माध्यम से प्रैक्टिकल पेपर के बारे में क्या बताया गया है ये हम लोग जानते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पिछले वर्ष बाह्य परीक्षक के बिना परीक्षा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले वर्ष कोरोना के कारण 10वीं का बोर्ड पेपर नहीं हुआ था, जबकि 12वीं का घर बैठे एग्जाम दिए थे। उसमें भी आप लोगों का जो प्रैक्टिकल था वो हुआ था, ऑफलाइन ही प्रैक्टिकल हुआ था, लेकिन आप लोगों के स्कूल में ही आप लोगों के ही टीचर से वो परीक्षा कराई गई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो परीक्षक होते हैं वो बाहर से आते हैं, लेकिन जो भी परीक्षा थी पिछले साल तक की, वो आपके स्कूल में ही कराई गई थी। ये जानकारी मैं इसलिए आप लोगों को दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग पहले से प्रिपेयर हो जाएं कि इस साल आप लोगों का जो प्रैक्टिकल परीक्षा होगा वो ऑफलाइन होगा। ठीक है, हाँ, आप लोगों का इस साल प्रैक्टिकल पेपर ऑफलाइन होने जा रहा है, इसलिए बाहर के जो टीचर हैं वो भी आप लोगों के आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों का प्रैक्टिकल का कैसे तैयारी करना है, उसके भी कुछ क्वेश्चंस मैं 10वीं और 12वीं का जो बारहवीं का फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो है उसका मैं आप लोगों को दे दूंगा, जिससे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और 10वीं के पेपर में जो भी प्रैक्टिकल आते हैं वो प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप लोगों को जो ओवरऑल पता चल जाए कि आप लोगों को प्रैक्टिकल कैसे देना है। ठीक है, और मेरे इस चैनल से जुड़ने से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो, क्योंकि मैं 10वीं बोर्ड 12वीं बोर्ड का जो भी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो जारी किया गया जो आंसर होता है, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, मॉडल क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं ढूंढ ढूंढ के आप लोगों के लिए लेके आता हूँ और आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ। आप लोग मेरे इस चैनल पिछले साल के भी जाके देख सकते हैं, मैंने प्रोवाइड कराया था जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जारी किया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह थे। ठीक है, और जो भी अपडेट आती है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से, वो भी मैं आप लोगों को अपडेट तुरंत करा देता हूं। ठीक है, इसलिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए यहां पर देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है 31 जनवरी तक परीक्षा ले सकेंगे स्कूल। आप लोगों का जो प्रैक्टिकल परीक्षा है वो 10 जनवरी से चालू हो रहा है। ठीक है, 10 जनवरी से चालू होने से और 31 जनवरी तक आप लोगों का ख़त्म होने तक, ये देखिए टाइम शेड्यूल, इसमें आप लोगों का 31 जनवरी तक ख़त्म हो जाएगा, फिर आप लोगों का फरवरी छोड़ मार्च में आप लोगों का फर्स्ट वीक में आप लोगों का जो पेपर है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो जो भी बच्चे तैयारियों में लगे हुए हैं वो अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि मार्च के फर्स्ट वीक में आप लोगों का पेपर, जो बोर्ड पेपर है, वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। देखिए, इस बार आप लोगों का जो बोर्ड पेपर होगा वो 20 पेज का होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट था कि पिछले बार तो हम लोगों का 32 पेज का पेपर दिया जा रहा था, लेकिन इस साल 20 पेपर का क्यों? तो इस साल कुछ चेंजेस की गई है कि 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में मुख्य परीक्षा जो उत्तर पुस्तिका होगी वो 20 पेज की रखी गई है। अगर आप सप्लीमेंट्री लेना चाहते हैं तो उसके लिए 8 पेज अतिरिक्त आप लोगों को दिया जाएगा। पिछले साल तक आप लोगों का 32 पेज की बुक होती थी, लेकिन इस बार आप लोगों का जो उत्तर पुस्तिका होगी वो मात्र 20 पेज की होगी। तो आप लोग अच्छे से भी लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा इस बार 10 जनवरी से शुरू होगी। छत्तीसगढ़ बोर्ड सभी मान्यता प्राप्त स्कूल अपनी सुविधा अनुसार तिथि तय कर 31 जनवरी तक प्रैक्टिकल परीक्षा संचालित करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आगे के जो भी अपडेट होंगे मैं आप लोगों को दे दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।